हम आज के वीडियो में बताएंगे सोयाबीन में खाद डालने का समय और सही तकनीक। मैं रुचिता पटेल फ्रॉम महाकाल एग्रो आप सबका फिर एक बार हमारी टीम में स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल उगने के 10 से 15 दिन बाद एनपीके 19:19:19 खाद 5 ग्राम प्रति लीटर और ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से फसल पर छिड़काव करें। इससे पौधों की जड़ों का विकास होगा और पौधों की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी और तथा पौधों की जड़ों मिट्टी में गहराई तक जाएगी। और सोयाबीन उगने के 20 से 25 दिन बाद एनपीके 12:61:00 खाद 5 ग्राम प्रति लीटर पानी, समुद्र सेवाल 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी और सूक्ष्म पोषक तत्व 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर फसल में छिड़काव करें। इससे पौधों का वृद्धि विकास और बढ़वार तथा पौधों में नई शाखाओं का फुटाव अच्छा होगा और पौधों में किसी भी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी नहीं आएगी। अब बात करते हैं फसल उगने के 30 से 35 दिन बाद एनपीके 00:52:34 खाद 5 ग्राम प्रति लीटर पानी, प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट 80% 1.5 ग्राम और बोरोन 20% 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर फसल में छिड़काव करें। इससे आपके सोयाबीन की फसल में फूल अधिक मात्रा में आएंगे तथा सोयाबीन की फसल में फूलों के झड़ने की समस्या नहीं आएगी। सोयाबीन बुवाई के 45 से 50 दिन बाद एनपीके 13:00:45 खाद 5 ग्राम प्रति लीटर पानी, समुद्री सेवाल अर्क 2 मिली प्रति लीटर पानी और सूक्ष्म पोषक तत्व 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर फसल में छिड़काव करें। इससे सोयाबीन की फसल में फलियों की संख्या में वृद्धि होगी तथा दानों का आकार भी अधिक मात्रा में बढ़ेगा और इसके साथ दानों में चमक भी बनी रहेगी। अब मैं बात करती हूँ फसल उगने के 55 से 60 दिन बाद एनपीके 00:50 खाद 5 ग्राम प्रति लीटर पानी, वनस्पति अर्क 2 मिली प्रति लीटर पानी और बोरोन 20% 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर फसल में छिड़काव करें। इससे फलियां समान आकार की रहेगी और दानों में अच्छे चमक के साथ प्रति एकड़ से उत्पादन भी बढ़ेगा। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई माहिती में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।